आप भी अंधे है आपके पिताजी भी अंधे थे और आपके बच्चे भी जो हुए वो भी अंधे हुए अभी हुए नहीं है जैसे पाँच साल के बाद लगते अच्छा, होने लगते हैं हैं अच्छा ऑटोमेटिक होने लगते जी जब दस साल के होंगे ना हाँ। उसके बाद पूरा अंधे हो जाते हैं नानी से चल रहा है अच्छा नानी को भी दिखलाई नहीं देता था। हाँ, नानी मेरा अंधी थी हाँ। उसके बाद मम्मी हुई मेरा मामू है और उसके बाद जो है हमसे जो है हमारा बाल बच्चा है इस गाँव में तो सभी लोग जानता है आप हम लोग का देखिए अभी कैसा हाल है गंदे गंदे कपड़े पहने हुए हैं जाते हैं तो सब बड़े बड़े लोग सोचता है क्या कि हमारा भी गंदा हो जाएगा ऐसा ही हो जाएगा मेरा भी तो भगा देते हैं तो इसीलिए हम लोग दूसरे दूसरे गांव में जाते हैं मुजफ्फरपुर में है और आपको एक परिवार से मिलवाने जा रहे हैं जो कि इस बड़े सदस्य को जो है वो दिखलाई नहीं देता है यह मुजफ्फ़रपुर है पहले ही बताए हैं और यह जो परिवार है हमारे देख लीजिए और भी सदस्य हैं जो अभी डॉक्टर को दिखलाने गए हुए हैं किसी कारण बस आ, जानते हैं इन्हीं से कि आखिर क्या समस्या है आ, कब से आपको दिखाई नहीं देता है जैसे हमारा तीन पीढ़ी हो गया जैसे मेरा दादी थी ना वो भी अंधे थे अच्छा उसके बाद मेरा पापा अंधे थे हाँ। उसके बाद हम लोग अंधे है मतलब हम लोग का भी नहीं दिखता ये और ये छोटा छोटा बच्चे है इसको भी पाँच साल होते होते तक नहीं दिखने लगेगा अच्छा हाँ और एक छोटा बच्चा है गोद में है हाँ। उसका अभी भी आँख थोड़ा थोड़ा पानी दे रहा है और वो पता नहीं आँख में क्या हो गया है तो हम लोग के पास पैसे नहीं हो रहा है तो हम लोग दिखाएंगे कहाँ से तो इसीलिए मजबूरी के कारण नहीं दिखा पाते हैं तो ये जो अंधा आप बोल रहे हैं कि कि अंधे हैं आप भी अंधे हैं आपके पिताजी भी अंधे थे और आपके बच्चे भी जो हुए वो भी अंधे हुए अभी हुए नहीं है जैसे पाँच साल के बाद होने लगते हैं अच्छा ऑटोमेटिक होने लगते हैं जी जब दस बारह साल के होंगे ना हाँ। उसके बाद पूरा अंधे हो जाते हैं अच्छा मतलब 10 12 साल के होते हैं तो अंधे हो जाते हैं अच्छा यह फी के साथ घटना है कि आपके भाई आपके बहन सभी सब, सभी के साथ इसी तरीके का है मेरा पूरा भाई बहन सभी का साथ तो इसी घटना है मतलब सभी लोग वैसे ही हैं जी सभी लोग आ? बहन का भी लड़की हुआ उसका भी उसी तरह है हाँ। एक मेरा बहन है जो सुनता भी नहीं है बोलता भी नहीं है हां उसको दिखता भी नहीं है उस दिक्कत होता होगा जब पूरा का पूरा परिवार आपका अंधा है तो तो परेशानी तो होती होगी परेशानी बहुत होता है लेकिन अब क्या करे अब जीवन मिला हुआ है तो अब इसको जीना पड़ेगा किसी तरह अब कभी कभी ऐसा है। होता है, है कि मतलब इतना मजबूर हो जाते हैं कभी, कभी कभी मन करता है कि आत्मा लेकिन क्या करेंगे फिर छोटा छोटा भाई बच्चों को देख करके फिर नहीं कुछ कर पाते हैं भाई हम करेंगे तो फिर इसको कौन पालेगा इसीलिए नहीं कर पाते हैं तो आपको पहले दिखाई देता था जी छोटा बच्चे थे तो पाँच छः साल के तो दिखता था लेकिन उसके बाद नहीं दिखता है हमको भी तो फिर जैसे पाँच साल पहले छः साल पहले एक आँख का ऑपरेशन कराए तो उसी से थोड़ा थोड़ा दिखता है बस तो कमाते कैसे हैं आप ऐसा मतलब आ, क्योंकि जब तक आप कमाइएगा नहीं तो परिवार कैसे चलेगा तो वही मतलब जहाँ पे 500 सौ रुपये मजदूरी मिलता है वहाँ पर हमको तीन सौ रुपये लोग देता है तो जाते हैं साथ में काम करते हैं कोई कोई मेन चीज नहीं दिखता है तो कभी कभी ऐसा होता है गुस्सा के उन लोग निकाल देते हैं, हैं। तो कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है क्या करेंगे मजबूरी में तो अच्छा एक बात बताइए जब आपकी आ, शादी हो गई तभी जी, तो बच्चे है पत्नी अंधे से हम शादी कर रहे हैं जैसे उन लोग का भी एक मजबूरी है कि उन लोग आठ बहन है तो उन लोग का भी पैसे नहीं है शादी कराने के लिए कि दूसरे घर में शादी करे दहेज आज कल लोग बहुत मांगते हैं कि हाँ दो लाख दो चार लाख दो तो उन लोग का भी पास नहीं है तो शादी तो हर किसी को होना चाहिए ना तो इसीलिए मजबूरी में उन लोग शादी करा दिए हम लोग से तो हम लोग तो समझते हैं कि हम लोग पे बहुत बड़ा उपकार हुआ है कि भाई निम्बन लड़की मिल गया है तो कितने कितने भाई हैं आप और कितने बहन जैसे तीन बहन है तीन भाई है तीन बहन है और तीन भाई है दो भाई आप यहाँ है एक भाई नहीं है अभी एक भाई कहाँ है काम करने गए हुए हैं काम कर तो उनको तो दिखलाई देता नहीं तो कैसे काम करते जैसे मेरा दिखलाई देता है थोड़ा थोड़ा हाँ। मेरा थोड़ा भाई का दिखलाई देता है आपको बोले ना कि दो भाई जो ऑपरेशन कराए हैं हाँ तो थोड़ा थोड़ा दिखता है एक आग से जी उसके बाद किसी को नहीं दिखलाई देता है आप आपको दिखलाई देता दिखाई देता है कुछ भी नहीं दिखता कुछ भी नहीं तो कैसे चलते पंजाब से अंदाज से चल लेते हैं जी हाँ जी यही आप दूसरे जगह नए जगह पर इनको ले जाइएगा हाँ। बोलिएगा कि उधर से घूम के आ जाइए हाँ। लेकिन ये घूम नहीं पाएगा ये पुराना जगह है हाँ। तो उसको तो नॉलेज रहता है ना भाई कि हाँ किधर से किधर जा रहे हैं तो हमको रास्ता मिलेगा हाँ। अच्छा आप हमको दिखाई दे रहे हैं हम हम आपको दिखाई दे रहे हैं। जी बड़ा मोटा सामान दिखाई देता इतना, सम... इतना तो अच्छा, तो है मोटा सा इतना परेशानी तो होती होगी अंदाज से भी कितना आदमी करेगा जी भाभी चलाती है रात को अगर जाते है प्रोफेसर ये सब कराती है अच्छा भाभी ही करती है जी आ? जी अभी शादी नहीं हुई है अभी नहीं हुई। देख है देख लीजिए ये परिवार है या आप बहन है आ? क्या नाम है खुर्शीदा खातून तो आपको कब से दिखलाई नहीं दे, दे रहा है हम लोग तो बच्चे से नहीं दिखाई देते बच्चे से दिखलाई नहीं देते नहीं तो परेशानी तो होती होगी बहुत होता है बहुत होता है बहुत, बहुत होता है तो आप इलाज उलाज नहीं करवाए इलाज करवाने जा रहे तो ऑपरेशन करने के लिए बोलता है और पैसा मांगते तो हम कहाँ से देंगे अच्छा तो आपकी शादी हो गई है हो गया तो पति नहीं कहते हैं? नहीं बच्चे हैं? एक है कितने साल का है बारह साल के तो वो बारह साल का जो बच्चा है वो ठीक ठाक है हाँ वो वो भी अंधा था तो इलाज कराए तो ठीक हो गया अच्छा तो वो भी आपका आपका बच्चा भी अंधा था हाँ। हाँ? हाँ। तो कहाँ अब यही मायके में रहती है हाँ, बांध पे नहर पे घर बना के रहते है मेरा तो पेंशन भी मिलता था वो भी बंद हो गया मतलब पेंशन भी मिल रहा था आपको विकलांग का हाँ। क्या वो भी बंद कर दिया मेरा गाँव वाला वार्ड से मिल के क्यूँ बंद किया पता नहीं क्या दुश्मनी है हम लोग का देख लीजिए ये पूरा परिवार है हम आपको दिखला दे फिर से बताते हैं कि यह पूरा जो परिवार है वो मुस्लिम परिवार है और ये परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी के सभी जो है वो अंधे हैं और इनकी जो माली स्थिति है देख लीजिए यही है झोपड़ी इसी जोपड़ी में झोपड़ी में रहते हैं दिखला दीजिए और आ, घर भी बना रहे हैं तो कोई सह, लोग जो है इनके रिलेशन के लोग जो है वो सहयोग कर रहे हैं इसलिए घर बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि, कि इनको पेंशन मिलता था वो पेंशन भी बंद है राशन आप भी बंद। राशन भी बंद है राशन भी बंद है राशन भी नहीं देता है राशन भी नहीं है मिल रहा है इनका बंद है अच्छा हाँ और क्या बोलता है अभी फिलहाल के लिए एक नल टूट गया है हाँ। तो फोन करके लोग बोलता है क्या जल्दी से नल बनवा बन लो हाँ. मतलब नल नहीं बनवाएगा तो हम सबको पानी नहीं देंगे लेकिन ये नहीं सोचता कि गरीब आदमी ने हाँ. जा करके दो चार सौ लगा करके सही करवा दे यहाँ कर हाँ. पे लाइट हम चलाते थे हाँ. तो यहाँ लोग कहता था क्या कि बोलो ये लोग पैसा नहीं देता वो लोग लाइन नहीं वो लोग मीटर नहीं लिया है तो वो लोग के मतलब मीटर चेक नहीं करते लाइन चेक नहीं करते हैं तो हम लोग का कितना चेक करने वाला है तो हम उसको बोले कि भाई हम लोग मजबूर आदमी नहीं कहाँ से देंगे तो सब बोलता है कि वो लोग का टॉर्चर नहीं करते हम लोग देते तो हम लोग का टॉर्चर करते हैं तो वो लोग भी सुन के चला जाता है कि ये तो विभाग का काम है वो लोग जाने का मतलब यहाँ के लोग भी आपको दिक्कत देते हैं नहीं जी आ? जी देख लीजिए ये परिवार है और इस परिवार की स्थिति जो है इतनी बद से बदतर है होना होगा भी क्योंकि जिस परिवार का पूरा का पूरा सदस्य जो है वो अंधा हो तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी क्या स्थिति रहेगी क्या स्थिति बनेगी लेकिन उसके बावजूद भी देख लीजिए ये छोटा कितना उम्र है आपका सत्रह साल सत्रह साल का उम्र है जी आ, आपको दिखलाई नहीं देता है आ, तो काम वगैरह जो है दिन में दिखलाई देता है दिन में वही मोटा सामान थोड़ा बहुत दिखता है दिन में मोटा सामान काम उम करते हैं पढ़े हैं नहीं पढ़े पढ़े लिखे नहीं नहीं आ, काम करते हैं नहीं, थोड़ा कोई काम मोटा मोटा करते जैसे ईटा कर लेते थोड़ा बस, आ, बस मतलब मजदूरी कर लेते हैं थोड़ा 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 घर में वही घर में थोड़ा मोटा करते बस बस बाहर बाहर नहीं बाहर नहीं, नहीं करते बाहर नहीं करते रहे तो देख लीजिए लंबा समय है अभी सत्रह साल का ही उम्र है लंबा समय है और जिस तरीके का स्थिति है वो बयान नहीं कर सकते हैं हम लोग कि, कि, क्या स्थिति है तो आप जो है पूरा अंदाज पे ही सारा कुछ करते हैं जी है? जी पूरे अंदाज पर जी क्या जी अगर वो रात में अंदाज नहीं मिल पाता है नहीं रात में नहीं घरे से नहीं निकलते के दो नहीं निकलते घर मतलब हम कह दे कि आपका जो है सहारा वो है भाभी है जी है? जी आ? क्या जी हाँ अगर भाभी नहीं होगी रहती तो वो भी परेशानी होती है आपको जी बहुत जी, होती है जब तक शादी नहीं हुआ था तो मेरा अम्मी थी हा? वो तो ठीक ठाक थी तो वही करती थी हा? जब वो चले गई तो दो तीन साल तो कष्ट हुआ हा? उसके बाद एक ऐसा परिवार मिला जो हम लोग का शादी हो गया हा? उसके बाद से तो घर का जैसे कि थोड़ा बहुत चल सही चल रहा है हा? लेकिन वही है कभी दुख है की कभी भूखे रहते हैं कभी खाते हैं कभी नहीं खाते है आपके पति को दिखलाई नहीं देता जी जी नहीं दिखाई देता दिखाई नहीं देता है तो कष्ट तो होता होगा आपको भी कष्ट होता होगा जी आ? इसको हम संभालते रात में चलने की जरूरत पड़ता है तो हम हाथ धक्के ले जाते बाथरूम कराने पेशाब कराने या कोई सा जरूरत है तो हम हाथ पकड़ के ले जाते हाथ पकड़ के, के रात में इनको ले जाते है जी। अब आप, आप क्या चाहते हैं कि आपका पति जो है क्योंकि बच्चा भी आ, अभी छोटा छोटा है आपका जी आ? बच्चा भी छोटा छोटा है जलम लेता है बच्चा तो उसको आँख में में से पानी आता है वो कचरा आता है पीला पीला जैसा जलम लेता है वो आने लगता है वो आने लगता है अभी तो छोटा बच्चा है आपको डर नहीं लगता है क्योंकि आपका बच्चा भी बड़ा होगा तो बच्चा को भी नहीं दिखे डर तो लगता ही है मगर क्या करे हम मजबूर है पति कमाने वाला है नहीं तो इलाज कहाँ से कराए सरकार देते नहीं है तो कहाँ से कराए इलाज तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से क्या कहना चाहते हैं हमारे यही कहना है कि सरकार हमको मदद करे ताकि हम बच्चा छोटा बच्चा जो जन्म जाए उसको भी कम से कम इलाज करा सके पैसा दे इलाज कराने के लिए खाने के लिए पैसा दे ताकि हम लोग भूख मर नहीं सकते खा सकते भर पेट इलाज करा सकते अच्छे से रह सकते अच्छे से रह सकते जी अच्छा तो जब इनका आपके पति का इलाज हुआ तो डॉक्टर कुछ नहीं बताया कि आखिर काहे ऐसा होता है क्यों हुआ ऐसा तो वो डॉक्टर नहीं बताते कि इसका बीमारी का पता ही नहीं चलता तो हम क्या बता सकते हैं हम लोग तो कोशिश करते हैं कि मतलब आँख ऑपरेशन कर देते हैं अब वो ठीक नहीं होना या होना वो तो ऊपर वाले का मर्जी क्या नाम है आपका मेरा मोहम्मद चांद मोहम्मद चांद आपका क्या नाम है जाहिद मोहम्मद जाहिद जी और एक बड़े जो बड़े वाले भाई का क्या नाम है जासीद जासीद मोहम्मद जासीद जी तीन भाई हैं तीन बहन है तीनों बहन की शादी हो गई है जी हो शादी उसी के अनुसार से हुआ है जैसा ये लोग आँख से अंधे है तो लड़का में भी कोई खूबी रहता है कोई मानी की हाथ हाँ से आख, आ पाई जाए कोई किसी को आँख से आई जाए कोई लड़का एक लड़का छोटी नंद की शादी हुए वो लड़का पैर से आ पाई और बड़ी वाली की हुए तो वो लड़का हाथ से पाई जाए उसको हाथ पतला पतला जैसा होता है ना वो है और बड़ी वाली सबसे बड़ी वाली की है तो उसको मासा मासा बड़ा सा मुंह पे पूरा शकल पे है तो मजबूर है इंसान विकलांग विकलांग को से ही शादी होता है विकलांग से ही हाथ में शादी होता है देख लीजिए बड़ा भयावा और बहुत अच्छा आदमी अच्छे के इंसान के ना हाथ पकड़ेगा खराब इंसान को खराब ही इंसान पकड़ेगा हाथ कोई चाहता है कि हम खराब है हम अच्छा है खराब के हाथ पकड़ ले हम लोग तो मजबूरी में है आठ नौ बहन है इसीलिए बाप अबू नहीं हमको डेट कर गए हुआ है इसी कारण कोई देने वाला नहीं था तो हमको करा दिया था हम लोग भी कुछ मजबूरी समझ के है निभा रहे हैं रिश्ता निभा जी निभा रहे है।, है हम लोग भी सोचते है की हम लोग अगर ये लोग के साथ नहीं देंगे तो कौन देगा साथ दे सरकार तो देता है नहीं है साथ हम लोग नहीं देंगे तो क्या होगा ये लोग का इसीलिए हम लोग भी अपना है झेल के झेल रहे हैं ना क्या नाम है बाबू आपका मोहम्मद तौफीक मोहम्मद तौफीक दिखलाई देता है नहीं हमको देखो तो हम दिखाई दे रहे हैं है थोड़ा 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 हम क्या दे, मेरे हाथ में क्या है माइक है ये दिखलाई दे देता है उनको देखो तो उनको दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा दिखाई दे थोड़ा थोड़ा दिखलाई दे रहा है और अब अभी मतलब कितना उम्र है तुम्हारा बारह साल बारह साल उम्र है तुमको दिखलाई नहीं देता है एक हाँ? है पटना से जा करके हाँ लेकिन इसका साफ ही सुधार नहीं हुआ तुम्हारा इलाज हुआ था आँख का हाँ हुआ था हाँ? हुआ था उसके बाद जो है इलाज होने के बाद जो है वो दिखाई देता है थोड़ा मोड़ा दिखाई देता है हाँ। इलाज होने से पहले से सुधार है नहीं। पहले से थोड़ा सा नहीं सुधार है मतलब कि चल फिर सकता है बस लेकिन दिक्कत तो होता होगा तुम कैसे इधर उधर जाते हो इसका अब सही है नहीं नहीं आप तुम नहीं, इसको इस तुमको जो है वो कैसे दिखाई मतलब इधर उधर कैसे जाते हो थोड़ा मोड़ा दिखता है वही से चल लेते हैं वही से चल लेते है हाँ। गिरते उड़ते नहीं हो नहीं हाँ? नहीं आ, रात में रात में तो हम अबू धरा के ले जाते हैं अच्छा रात में कबू धरा के ले जाते हैं हाँ। अबू को दिखता है को दिखता है मम्मी को मम्मी को भी नहीं मम्मी को नहीं दिखता है नहीं देख लीजिए ये किसका लड़का आपकी बहन का फुआ का देख लीजिए ये ये बहन थी और ये जो लड़का है इनके फुआ का लड़का है इस इनको भी जो है वो नहीं दिखलाई देता है क्या नाम है महबूब अली महमूब महमूब अली आ, तो आपको कब से दिखलाई नहीं दे रहा है हम लगभग पाँच साल के हुए उसके बाद से नहीं देखते नहीं दिखलाई देता।, देता आपके पिताजी को दिखलाई देता था उनको दिखलाई देता था आपके बाद से बच्चे लोगों को दिखाई नहीं, नहीं दे तो नहीं हमारे हाँ। पत, हमारा अम्मी थी ना हाँ। अम्मी को नहीं दिखाई देता ठीक अच्छा, तो हम जब उसकी बात जब उसके जन्म लिए हाँ। तो पांच साल तक के हमको सही रहा हाँ। पांच साल के बाद मेरा भी यहाँ गड़बड़ा गड़बड़ा गया, गरवड़ा गया। हाँ, तो मतलब आपके अम्मी से सारा ये चीज चलता आ रहा है हमारी नानी से चल रहा है अच्छा <जासओं> नानी को भी दिखलाई नहीं देता था। नानी मेरा अंधी थी हाँ。उसके बाद मम्मी हुई हाँ. मेरा मामू है हाँ. और उसके बाद जो है हमसे जो है हमारा बाल बच्चा है मतलब मामू को भी दिखलाई नहीं देता था? <जासथ> नहीं नहीं मामू को भी दिखाई दे रहा मामू को भी दिखाई नहीं दे रहा हाँ. तो कितने बच्चे है हमारे छो है छो बच्चों को दिखलाई नहीं देता नहीं हमको छओ बच्चों को नहीं दिखाई देता है छओ बच्चों को दिखाई नहीं आपके जो पोता पोती है नाती है उसको भी दिखाई नहीं देता। नहीं पोता पोती है तो अभी तक तो खर्च सही है आ, आगे क्या होगा वो ऊपर वाला जाने हाँ, आ, नाती तो बड़ा है हाँ, नाती तो यही है आपका नहीं हाँ, तो हमारे बहन का लड़का आपके बहन का लड़का है तो इसको भी दिखलाई नहीं देता नाती उती है नाती है कितने साल का है नाती नातियो इसी इतने ही बड़ा है तो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए और कभी पूछे नहीं डॉक्टर डॉक्टर से के पास हम बहुत गए सदर में गए मेडिकल में गए हालांकि हाँ। एक आंख हमको को यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो हम पटना में जो है मुसलेपुर हार्ट में ऑपरेशन कराया आज से करीब करीब चालीस साल के लगभग हो गया समझ गया उसके बाद से ऐसा गरीबी हुआ जो हम लोग का पैसा नहीं है जो हम आँख के ऑपरेशन करावे कहाँ से करावे हमारा आँख है वही अभी डैमेज है एक ई आँख है इससे जो है पैं चल फिर करते हैं हम बस बस मतलब और उसके बाद जो है बेटा बेटी जब हुआ उसका भी दिखलाई नहीं देता है पत्नी को दिखाई देता था हाँ पत्नी को दिखाई देता था तो पत्नी है नहीं एक्सपायर कर गई एक्सपायर कर गई तो अभी तो आप लोग को कम मतलब जब दिखाई नहीं देता है तो कमाते नहीं हुई नहीं आ? तो कैसे चलता है घर पे हम लोग इधर उधर टहल फिर करके मांग खा लेते हैं मतलब तो टहल फिर के मांग चंगा खा लेते हैं जिसको माया लगता है वो दे देता है क्या दे 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 तो डांट के भगा देता है कि हमको खाने के लिए ये नहीं हम कहाँ से देंगे मतलब जिसको माया लगता है वो दे देता है जिसको नहीं लगता है वो डांट के झाड़ के बल भगा देता है कि हमको खाने के लिए है ये नहीं हम अपना बाल बच्चा के लिए कमाते कि तुम्हारे लिए कमाते देख लीजिए कितनी बड़ी समस्या है और इस आ, में हम मतलब हमें भी ब्याह करने में ये तकलीफ हो रही है कि, कि जब एक आदमी अंधा होता है तो समझ में आता है लेकिन पूरा का पूरा परिवार पूरा का पूरा सदस्य जिस घर का अंधा हो समझ सकते हैं कि उस घर की स्थिति क्या होगी उसके बावजूद भी यहाँ के लोग जो है इनको भी परेशान करते हैं कभी बिजली काट देते हैं बिजली हाँ, काट देते हाँ, हैं हाँ, है। बिजली बाल बच्चा सब हम लोग को टकराता अंधेरा में हम लोग कभी कभी एक बार हुआ है कि मतलब नया स्मार्ट मीटर लगा ना तो हम लोग का बोला गया कि तुम लोग लाइन उतार लो नहीं तो केस हो जाएगा तो हम लोग जबरदस्ती से लाइन लगाए एक बार तो यहाँ के आदमी लोग क्या बोला कि इसको लाइन काट देंगे ऐसे समझ में नहीं आ रहा हम बोले ठीक है आप अपने से काट दीजिए हम लगा देते हैं तो हम लगवा लिए लेकिन लाइन काटा नहीं वो लोग लेकिन धमकी दिया जाता है हर एक काम के लिए धमकी दिया जाता है तो हम लोग पहुँचाने का के लिए है ये नहीं है तो हम लोग के लाइन के मीटर के कहाँ से लाएंगे कहाँ से मीटर में रिचार्ज करेंगे हम सही बात है देख लीजिए कहा गया है कि जिस परि पड़ि, जो परिवार ही पूरा पूरा का पूरा परिवार अंधा हो उस परिवार मटिया तिल भी देता था तो पहले आदमी जला के चलता था अभी तो मटिया तिल भी बंद है तो लाइन नहीं देगा तो कहाँ अंधा अंधा हम लोग है तो कहाँ हम टकरा के मोड़ेंगे थोड़ी है न तो इससे अच्छा है कि सरकार सब आदमी को जहर दे के मार देख लीजिए बहुत बड़ा सवाल है बहुत बड़ा चीज है कि सब कुछ मिल रहा था यहाँ तक कि पेंशन मिल रहा था विकलांग का, का पेंशन मिल रहा था वो भी बंद है आ, इन लोगों को राशन भी कुछ लोगों को बंद है कुछ लोगों को दिया जा रहा है क्या आपको राशन मिलता है आपका नाम है राशन कार्ड बंद हो गया मेरा पापा का राशन कार्ड बंद हो गया तो उसका नाम उसी में भी तो नाम हट गया कार राशन कार्ड से पापा का काहे बंद हो गया बंद हो गया कि मतलब कभी कभी होता है कि दूसरे दूसरे गांव में मांग मांगने के लिए जाते हैं हम लोग तो छः छः महीना नहीं आते हैं अच्छा। तो यहाँ आधार कार्ड खोजने के कारण मतलब बंद हो गया तो फिर बाद में गए हम लोग कि चालू कर दीजिए तो ऐसा नहीं होता है अच्छा। और इसके लिए दो हजार चार हजार रुपये पैसा लगेगा अच्छा। हम लोग के पास रहेगा ही नहीं तो देंगे कहाँ से मतलब आप लोग मांगने के लिए आ, बाहर चले जाते हैं जी बाहर चले जाते हैं दरभंगा सराबी पूरी सब तरफ चले जाते हैं तो क्या करेंगे इस गांव में तो सभी लोग जानता है अब हम लोग का देखिए अभी कैसा हाल है गंदे गंदे कपड़े पहने हुए हैं जाते हैं तो सब बड़े बड़े लोग सोचता है क्या कि हमारा भी गंदा हो जाएगा ऐसा ही हो जाएगा मेरा भी आ, तो भगा देते हैं तो इसीलिए हम लोग दूसरे दूसरे गांव में जाते हैं देख लीजिए एक ये परिवार है जो अपना भरण पोषण के लिए बाहर जाता है और बाहर से जो मिलता है उसको ला के अपना घर का जो है वो गुजर बसर करता है गुजारा करता है और उसी में सब लोग जो है वो रहते हैं क्या हमारा देखिए आज से लगभग पच्चीस साल पहले जो है एगो इंदिरा आवास मिला बीस हजार वाला बीस हाँ। हजार वाला मिला और मांग टांग के कैसे करके जो है उसमें कुछ पूर्ति किए हाँ। तो एक ठो घर बनाया उस, वो भी घर जो है रिपेयरिंग के बगैर जो है ढो टूट गया गिर गया अच्छा। आज तक हम लोग के पैसा पैसा नहीं था जो हम लोग कुछ कर पाए समझ गए उसके बाद कई बार जो है ब्लॉक से आए ब्लॉक वाला प्रतिदिन ये चेकअप करने के लिए चेकअप कर ले गए अच्छा मिलेगा मिलेगा आज तक कोई उपाय नहीं हुआ hmm. हम लोग के देखिए यहाँ तक ये यह सरकारी ज़मीन है ठीक है हम लोग राश इंदिरावास मतलब अब जमीन भी आपका ही नहीं है नहीं है, है। जैसे फार्म भरने के लिए आता है ना इंदिरा का जो समय आता है कभी कारें कभी कारें तो बोलता है क्या जमीन के कागज़ देगा तभी भराएगा तो नहीं तो नहीं भराएगा और उसमें भी हम लोग कहते हैं कैसाओं करके कोशिश करके भर दीजिए ये तो अधिकार आप लोग का है तो वो कहता होगा ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे अब ऊपर वाला जाने वो लोग से होगा कि नहीं होगा कि झूठ बोलता है मालूम नहीं चलिए देख रहे थे और हम आपको दिखला रहे थे कि यह मुजफ्फरपुर जिला है और मुजफ्फरपुर में पूरे जो परिवार है इनका पूरा का पूरा परिवार को दिखलाई नहीं देता पूरा पूरा है, है पूरा का पूरा जो परिवार है वो विकलांग है पूरा का पूरा जो परिवार है वो अंधा है देख लीजिए इस इसी तरीके का खबरों को अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आपकी और हमारी मुलाकात जो है वो हो ही जाती है तब तक के लिए बने रहें जय हिंद जय बिहार